नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। कहते हैं मस्जिद में अजान होती है, यहाँ पर लोग अल्लाह से दुआ मांगने आते हैं, लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो इन सब से बिल्कुल अलग है। हालांकि यहाँ मस्जिद में तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ मस्जिद के पीछे जरूर कांड हो रहा था। जी हाँ, मस्जिद के पीछे रखा था एक झोला और झोले में रखा था बम। उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि हर तरफ भगदड़ मच गई, लोगों के परखच्चे उड़ गए। जी हाँ, ताजा मामला बिहार के सिवान जिले का है, जहाँ के एक मस्जिद के पीछे जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए दोनों को पटना रेफर कर दिया गया। घायल जुड़कन निवासी विनोद मांझी और उसका 3 वर्षीय पुत्र सत्यम कुमार है। चिकित्सकों ने बताया कि विस्फोट के कारण विनोद का शरीर काफी जल गया है, उसकी स्थिति नाजुक थी। परिजनों ने बताया कि विनोद मांझी अपने बेटे सत्यम को लेकर गाँव की दुकान पर बिस्किट खरीदने गए थे। उसी दौरान उनकी मुलाकात सागर साई नाम के व्यक्ति से हुई। उसने एक एक करके झोला दे दिया। सगीर ने किसी व्यक्ति का नाम लेते हुए कहा कि वह आएगा तो ये झोला उसे दे देना। इसी बीच झोले में रखा बम ब्लास्ट हो गया। हादसे के बाद सिवान पुलिस सगीर की तलाश में जुटी है, ताकि ये पता चल सके कि सगीर बम कहाँ भेज रहा था। सिवान के SP अभिनव कुमार के मुताबिक वे बम कैसे थे और कहाँ से लाए जा रहे थे, पुलिस उसका आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। उन्होंने कहा, पता चला है कि जिस व्यक्ति ने बम रखा था वह पटाखे का धंधा करता है। फिलहाल हम लोग जांच कर रहे हैं और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मिली सूचना के मुताबिक पुलिस सगीर के परिजनों में से 3 महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए थाने ले गई, ताकि सगीर के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि सगीर भी इस बम धमाके में घायल हो गया, लेकिन उसे फिर किसी ने नहीं देखा। अभी कुछ दिन पहले ही बांका और फिर दरभंगा में बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। अभी ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि इसी तरह ये तीसरी घटना हो गई। ऐसे में पुलिस भी चौकन्ना हो गई है कि कहीं भी कुछ भी बम धर सकता है। अब इन सब के बाद कट्टरपंथी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, वो बिल्कुल शांत हो गए हैं। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं अमन यादव, वीके न्यूज़, दिल्ली।